Hello everyone, let's take another example. Let's say we have a power n, b power n, and c power m, where n and m is greater than or equal to 1. तो ये लैंग्वेज क्या कह रहा है कि आपके पास जो n और m की संख्या है वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन a और b की संख्या इक्वल होगी, c की संख्या इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, लेकिन कम से कम एक सी जरूर होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में। तो अगर हम इसमें कुछ स्ट्रिंग्स इसके लें, सो लेट्स से ए की वैल्यू भी वन है और सॉरी एन की वैल्यू वन है और एम की वैल्यू वन, सो दिस विल बिकम ए बी सी, या ए पावर वन, बी पावर वन एंड सी पावर वन। और अगर मैं एन की वैल्यू टू लू तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी पावर वन, एन की वैल्यू टू एंड एम की वैल्यू वन। एंड देन इसके बाद अगर मैं मानू कि एन की वैल्यू भी टू है और एन की वैल्यू टू है, सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। मैं अगर मानू कि ए की वैल्यू टू है, ए की वैल्यू थ्री है और बी की वैल्यू थ्री है और सी की वैल्यू टू है, सो दिस स्ट्रिंग विल बिकम ए क्यूब बी क्यूब एंड सी स्क्वायर। इन एनी केस ए और बी की संख्या इक्वल है, सी की जो संख्या है वो मिनिमम वन होगी और उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है, बट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी। सो हम किस तरह से मशीन डिजाइन कर सकते हैं कि जब भी आपके पास एज आए तो एज को आप पुश कर दीजिए स्टैक पे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग ली है वो ली है ए क्यू बी क्यू एंड सी स्क्वायर, या इसको हम एक्सपेंड करें तो पहले एज आएंगे तीन एज, फिर तीन बीज आएंगे एंड देन उसके बाद दो सीज आएंगे, और इनपुट टेप में एप्सिलॉन भी होगा, ये याद रखना मुझे। तो जैसे मेरे पास ए आया मैंने स्टैक पे पुश कर दिया, फिर एक ए आया मैंने उसको स्टैक पे पुश कर दिया, एक ए और आया मैंने स्टैक पे पुश कर दिया, जैसे मेरे पास बी आया मैंने स्टैक को पॉप किया, जैसे मेरे पास बी आया मैंने स्टैक को पॉप किया, जैसे मेरे पास बी आया मैंने स्टैक को पॉप किया, फिर जैसे मेरे पास सी आया मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे मेरे पास सी आया मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, और जैसे एप्सिलॉन आया मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो आपको एक्शन सी और एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग नहीं लेना है, लेकिन पीरियड डिजाइन करते समय आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मिनिमम वन सी जरूर आए, एक से ज्यादा सी भी आ सकते हैं। तो आइए इसके लिए पीरियड डिजाइन करते हैं। सो लेट्स से वी आर एट द क्यू जीरो स्टेट, यू गेट द इनपुट अल्फाबेट स्मॉल ए एंड द स्टैक टॉप सिंबल इज जेड नॉट, तो इसको आपको पुश करना है। फाइन, सो यू आर स्टार्टिंग विद स्टैक विद जेड नॉट सिंबल, और ए जैसे आया आपने सो स्टैक पे पुश कर दिया। फिर इसके बाद एक और ए आया, अगर तो मेरे पास ए था इनपुट, ए स्टैक के टॉप पे भी था, मैंने इस ए को स्टैक पे पुश कर दिया, सो दिस एक्चुअली बिकम्स डबल ए। सो नाउ अगर करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग के हिसाब से हम चलें, सो हमने ये परफॉर्म कर लिया है, ये परफॉर्म कर लिया है, एक ए और आता है तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, एक ए स्टैक पे पुश हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास बी आने चाहिए, तो जैसे बी आएगा मैं स्टेट को चेंज कर दूंगा। सो जैसे बी आया मेरे पास और स्टैक के टॉप पे ए है, मैं स्टैक के टॉप सिंबल को पॉप कर देता हूँ एंड लेट अस मूव टू क्यू वन स्टेट। सो बी आया है मेरे पास, मैं स्टैक के टॉप को पॉप कर देता हूँ क्योंकि स्टैक के टॉप पे ए था। मेरे पास और भी बीज आएंगे, तो जितने भी बीज मेरे पास आएंगे और स्टैक के टॉप पे मुझे ए दिखेगा, मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। एक बी और आएगा, मैं यही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अब इसके बाद सी आएंगे मेरे पास, तो जैसे ही सी मेरे पास आएगा मैं नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाऊंगा। सी पे स्टैक के टॉप पे मुझे जेड नॉट दिखना चाहिए और मैं उसको जेड नॉट ही छोड़ दूंगा, लेकिन आगे स्टेट पे मैं मूव करूंगा, लेट्स से ये क्यू टू स्टेट है। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कुछ सी और हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सी दिखेगा और मैं Z नॉट स्टेट में रहूँ, Z नॉट स्टैक के टॉप पे होगा, तो मैं इसको Z नॉट ही छोड़ दूंगा और Q2 स्टेट में रहूंगा। इसके बाद मुझे एक एप्सिलॉन मिलता है, तो एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग मैं मूव कर जाऊंगा फाइनल स्टेट पे। सो मेरे पास इनपुट अल्फाबेट एप्सिलॉन है, स्टैक के टॉप पे मुझे Z नॉट दिखा, मैंने इसको Z नॉट ही छोड़ दिया और मैं फाइनल स्टेट पे मूव कर गया। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द PDA और यू डिजाइन द PDA फॉर द गिवन लैंग्वेज। आइए इसके ट्रांजिशन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। सी व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस इन द एग्जामिनेशन, सो ट्रांजिशन फंक्शन जरूर डिफाइन कीजिए। सो मैं पहला ट्रांजिशन फंक्शन डिजाइन कर रहा हूँ, मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ, मुझे ए मिला
और स्टैक के टॉप पे जेड नॉट था, तो मैंने क्यू जीरो स्टेट पे हम रहे और ए जेड ए को मैंने पुश कर दिया। सिमिलरली मेरे पास क्यू जीरो स्टेट पे थे हम, इनपुट अल्फाबेट ए आया, स्टैक के टॉप पे भी ए था, मैंने क्यू जीरो स्टेट में ही रहा मैं और ए को पुश कर दिया। मुझे बी मिला, मैं क्यू जीरो स्टेट में ही था और स्टैक के टॉप पे ए था, तो मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया लेकिन क्यू वन स्टेट में मूव करके। इसी तरह से मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ और मुझे बी मिला, सॉरी क्यू वन स्टेट में हूँ, मुझे बी मिला और स्टैक के टॉप पे ए है, तो मैं रहूंगा क्यू वन स्टेट में ही और मैं पॉप करूंगा। इसके बाद क्यू वन स्टेट में मुझे सी मिला, तो स्टैक के टॉप पे मुझे जेड नॉट दिखना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं मूव कर जाऊंगा क्यू टू स्टेट में और कोई भी चेंज नहीं करूंगा स्टैक के टॉप में। सिमिलरली जब मैं क्यू टू स्टेट में हूँ और मुझे सी मिला, स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है, तो मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा, क्यू टू स्टेट में रहूंगा, जेड नॉट वहीं रहेगा। क्यू टू स्टेट से अगर मुझे एप्सिलॉन मिलेगा और स्टैक का टॉप जेड नॉट है, तो मैं फाइनल स्टेट में मूव करूंगा और स्टैक के टॉप में कोई चेंज नहीं करूंगा। तो ये क्यू एफ मेरा फाइनल स्टेट है, डबल सर्कल से इसको डिनोट करना चाहिए। सो यहाँ हम पुश कर रहे हैं, यहाँ भी हम पुश कर रहे हैं, यहाँ हम पॉप कर रहे हैं, यहाँ हम पॉप कर रहे हैं, इस एक्शन में हम स्किप कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हम स्किप कर रहे हैं, इसमें भी हम स्किप कर रहे हैं, मतलब कि स्टैक के टॉप सिंबल में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सो दिस वे वी आर एबल टू डिजाइन द पीडीए फॉर द गिवन स्ट्रिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।